अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग लाइफ स्टाइल विद सोविया। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग जो है शाम की रूटीन के बारे में है। और अभी इस वक्त टाइम हो जो हो रहा है 5:49 हो रहे हैं और हम थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि हमने कल बारबेक्यू किया था। तो ये बारबेक्यू की जिसके ऊपर किया था अंगीठी पड़ी हुई है। अभी हम सारा सफाई कर कर के फारग हुए हैं और ये सारा फर्श धोया, यहाँ पर हमने लगाया था बारबेक्यू। तो ज़रा थोड़ा सा आपको पता है कोयलों का कितना गंद होता है, फिर अच्छी तरह धोना पड़ता है। तो इस वजह से हमने ये सारा फ़र्श वगैरह धोया और आज कपड़े भी धोए हैं। हालांकि काम वाली आई थी लेकिन वो कपड़े सी करके गई थी, तो मामा ने कहा मैं कपड़े भी धो देती हूँ। तो ये सारे जो हैं कपड़े धोए हैं और अभी अंदर का भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अंदर जो हमने सफाई किया है, अंदर से हमने झाड़ू वगैरह और टपियाँ वगैरह भी लगा ली हैं। और अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय व्लॉग चैनल। अभी मेरी बेटी ने एक छोटा सा क्लिप बनाया है, मैंने उसको कहा चलो सबको सलाम तो करें ना। आज हाज़िरी ज़रा लेट हुई है, आपके साथ मुलाकात लेट हो रही है क्योंकि बच्ची ने बताया भी है मेरी बेटी ने आपको रात को हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे, हम बारबेक्यू पार्टी थी तो उसमें काफ़ी लेट हम सोए, फिर लेट उठे। फिर आज मौसम भी बड़ा ही खूबसूरत है लाहौर शहर का, बड़े बादल आए हैं। अभी थोड़ी देर तक मैं आपको बादल भी दिखाती हूँ। अब ये है सूरत हाल ये है कि घर का काम वगैरह करके मैं अभी फारिग हुई हूँ। रात को आज खाने के मेन्यू में मैंने पुलाव, मटन पुलाव सोचा है, तो वही बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी चाय पीने का प्रोग्राम बन रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। फ्रेंड्स आप सुनाएं आपका दिन आज कैसा गुजरा है? मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम फ्रेंड्स की दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और आइंदा ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुजरेगी। फ्रेंड्स आप प्लीज़ मेरी आपके आपसे बहुत ये रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल अपने अजीज़ बहन भाइयों और फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट्स करें और उनको रिक्वेस्ट करें कि सोबिया राना, मैं आप सबकी बहन हूँ, आप कहें कि हमारी सिस्टर का चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि मैं न्यू वीडियोस जो भी अपलोड करूँ वो आप सब उनको देख सकें। आप मेरे साथ प्लीज़ आप कमेंट्स करके मेरे साथ बातें करें, मैं मुझे बल्कि अच्छा एक चैनल मिल जाएगा कि लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं और मैं उनका जवाब दे रही हूँ। आपका नाम लिया करूँगी उन कमेंट्स में कि ये बहन या ये भाई मेरे साथ ये बात शेयर कर रहा है या ये क्वेश्चन कर रहा है या ये बात कर रहा है। तो इस तरह एक अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों के साथ मेरा बन जाएगा। तो ओके, अब मैं चाय बनाने किचन में जा रही हूँ, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। फिर उसके बाद रिलैक्स होके थोड़ा ज़रा थकावट उतरती है तो फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे फिर बात करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो जी मैं अब अपनी मामा के लिए चाय बनाने आ गई क्योंकि वो काम करके आई थी, उनको बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो जिसकी वजह से चाय तो लाजमी होती है। और अभी मैं चाय बना रही हूँ और मेरी चाय सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मेरे जो मेहमान भी आए थे उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कल हमारे घर दावत थी, तो जब खाना वगैरह खा लिया तो चाय मैं ही बनाई थी, तो सबको चाय काफ़ी अच्छी लगी थी। और जब भी मेहमान आते हैं तो चाय मैं बनाती हूँ और उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो नाश्ते में मैं ही बनाती हूँ सुबह चाय, और ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मैं है, अपने अपने हाथ का जायका होता है सबका, खाने में चाय में हर एक चीज़ में। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं, आपने तो मुझे बताना है कि मैं कौन सा ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करती हूँ। मैं आपको वीडियो में तो नहीं बताऊँगी लेकिन आपने कमेंट में करके बताना है कि मैं कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाती हूँ जिसकी वजह से चाय अच्छी बनती है। और फिर जब आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको बताऊँगी कि किसने राइट आंसर दिया है जिसकी वजह से चाय अच्छी बनती है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है। तो आप गौर से देखिए, गौर ध्यान करें, पानी अभी उबल गया, अब मैं इसमें चीनी और पत्ती वगैरह डालती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी अब मैंने इसमें पत्ती चीनी वगैरह डाल दी है, वो मैं आपको बता दूँ कि पत्ती कितनी डाली है, चीनी कितनी डाली है। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं लेकिन मैंने चीनी चम्मच डाली है क्योंकि हमारे घर में चीनी तेज़ पी जाती है। और पत्ती मैंने जो है 2.5 चम्मच डाली है, फिर इसके बाद जब दूध डाला फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने पत्ती और डाल दी है, जायका अच्छा आ जाए। ठीक है, तो अब इसको उबाला जब आऊँगी फिर आपने फॉर्मूला का जो मैंने आपको बात बताई है फिर आपने बताना है
कि वो कौन सा ऐसा फार्मूला। और अभी मैं कप निकाल लेती हूँ, और ये वाला कप आई थी तो सही रहेगा, ये वाला कप निकाल लेती हूँ और इसमें फिर मैं चाय डाल के फिर मम्मा को मैं दूँगी, ठीक है। और अभी ये चाय बन गई है, तो जैसी चाय बनती है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी देखें चाय को जो है उबाला आना शुरू हो गया है, और ये उबाला आ गया है, और अब मैं इसका चूल्हा जो है बंद करने लगी हूँ, और अब मैं चाय को डाल लेती हूँ। ठीक है, ये मैं चाय डालने लगी, ध्यान से चाय डाला करें। थोड़ी सी और डाल देते हैं। तो जी ये देखिए मामा की अब चाय रेडी हो गई है, और अब हम मामा को देख के आते हैं, ठीक है। और ये मैं मामा को चाय अब देख के आती हूँ। तो जी अब ये चाय मैंने मामा को दे दी है, और अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं आपसे कुछ कहना था कि मैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और आपको किस तरह का व्लॉग चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।